अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हेलो चिल्ड्रन एंड माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स वेलकम टू आवर चैनल अपने स्कूल लुक एट मी स्टूडेंट्स व्हाट आई डू देखो बच्चों मेरी तरफ मैं क्या करती हूँ आई पुट सम कॉइंस इन दिस बॉक्स एंड शेकी आर यू हियर द साउंड यस नाउ look carefully again what I do I remove the coins from the box are you hear the sound oh yes no why because there are no coins in the box kyu bachu kyu ke isme koi coins नहीं है कुछ है क्या इसमें नहीं इसलिए आपको आवाज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है दैट मीन्स नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं है इसमें एंड वी से जीरो टू नथिंग और हम क्या कहते हैं बच्चों जीरो नथिंग को जीरो कहते हैं सो टुडे वी विल लर्न व्हाट इज ज़ीरो एंड हाउ टू राइट इट इसलिए प्यारे बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं जीरो यानी क्या और उसे किस तरह से लिखते हैं सो स्टूडेंट्स लेट्स सी ऑन पेज नंबर ट्वेंटी वन ऑफ योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स इंट्रोडक्शन एंड राइटिंग ऑफ जीरो यानी के जीरो का तारुफ इंट्रोडक्शन यानी क्या और जीरो को किस तरीके से लिखा जाता है जीरो का लिखना और जीरो का तारो देखो किस तरीके से लिखते हैं जीरो को जीरो इज रिटन एज देखो किस तरीके से लिखा जाता है इस तरीके से जीरो को लिखा जाता है अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी आपको क्या करनी है लुक एट दिस पिक्चर इस, इस पिक्चर को देखो देखो यहाँ पर खाली चौकोन बना है इसमें आपको लिखना है देखो डैश डैश पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर अ बस अब ये खाली है ना तो देखो यहाँ पर पैसेंजर्स कितने हैं देखो कितने मुसाफिर है यहाँ पर खड़े हुए काउंट करो वन टू थ्री फोर तो फिर इस खाली बॉक्स में क्या लिखेंगे फोर फोर पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर अ बस ये जो चार मुसाफिर है किसका वेट कर रहे हैं किसका इंतजार कर रहे हैं बस का इंतजार कर रहे हैं ये फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है कि ये फोर पैसेंजर जो है किसका वेट कर रहे हैं बस का वेट कर रहे हैं अब सेकंड पिक्चर में देखो पैसेंजर्स बस का वेट कर रहे थे तो ये जब बस आ गई तो ये फोर पैसेंजर्स किस में चले गए बस में चले गए तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम फोर फोर पैसेंजर्स वेंट इन द बस फिर अब चार इंतज़ार कर रहे थे और बस आने पर चारों भी बस में बैठकर चले गए तो फिर यहाँ पर कुछ बचा के बच्चों नहीं इसलिए जीरो पैसेंजर्स रिमेन इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जीरो मुसाफिर बाकी बचे रिमेन यानी क्या बाकी बचना बाकी रहना तो फिर यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको नहीं तो इसे क्या कहेंगे हम मैथमेटिक्स में जीरो देखो जीरो की स्पेलिंग जेड ई आर ओ जीरो और उसे हम इस तरीके से भी ऐदाद में लिख सकते हैं देखो जीरो डिजिट में किस तरीके से लिखेंगे जीरो इस तरीके से और वर्ड्स में किस तरीके से लिखेंगे इ, आर ओ आप देखो कनेक्टिविटी यहां पर देखो कौन सा क्वेश्चन है देखो क्या दिखाई दे आपको लड्डू दिखाई दे रहे ना मुंह में पानी आया ना हम्म देखो अब क्वेश्चन क्या है द वाइट डिश हैज देखो अभी व्हाइट डिश है कौन सी डिश है व्हाइट कलर की द वाइट डिश हैज डैश डैश लड्डूस देखो फिर अभी वाइट डिश में कितने लड्डूस है काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फाइव द वाइट डिश हैज फाइव लड्डूस वाइट डिश में कितने लड्डू है पांच लड्डू है आप देखो ये पिंक डिश में क्या है पिंक डिश हैज नो लड्डूस पिंक डिश में आपको कुछ दिखाई दे रहा क्या नहीं तो फिर हम क्या कहेंगे पिंक डिश हैज नो लड्डूज इसमें कोई भी लड्डू नहीं है इट मीन्स देर आर फिर अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं को क्या लिखेंगे हम मैथमेटिक्स में वेरी गुड जीरो क्या लिखेंगे जीरो इट मीन्स देर आर जीरो लड्डूस मतलब इसमें कितने लड्डू है जीरो लड्डू है क्या कह सकते हम जीरो लड्डू है आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट जीरो मीन्स Nothing and it's right like this in digit we write like this and in words like this Z E R O 0. Okay student it's time to say goodbye to you. Thank you so much.